नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल 5A स्टॉक्स में। आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहा है, कौन कौन से स्टॉक मूव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम इंट्राडे लेवल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करें निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 अगर 18,640 के ऊपर निकलता है, आप कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। जो आपके टारगेट रहेंगे वो पहला रहेगा, वो रहेगा 720 का, और सेकेंड रहेगा 18,800 का राउंड लेवल। बात करें पुट साइड के लिए, जैसे ही मार्केट निकलता है 560 के नीचे, आप पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। जो आपके टारगेट रहेंगे नीचे के लिए, वो पहला रहेगा, वो रहेगा आपका 18,500, और सेकेंड रहेगा 18,460 तक का। आज मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं दिया, हमने एक ट्रेड दिया टेलीग्राम ग्रुप में, जो करीब करीब सेकेंड हाफ में जाकर एक्टिवेट हुआ है, और भाई 20-30 पॉइंट आपको देखिए वापस SL आपको हिट कर दिया है। तो जिन्होंने अगर स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो वो लाइक ग्रीन में बंद किए होंगे, अदरवाइज सब लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, ये भी एक रेंज में रहा था। अगर कल यानी ट्यूजडे को अगर निकलता है 44,180 के ऊपर, तो आप कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। जो टारगेट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट टारगेट, वो आपका रहेगा 44,350 का, एंड सेकेंड टारगेट 44,450 का। पुट साइड के लिए प्लान करेंगे अगर आप, तो जैसे ही निकलता है 43,850 के नीचे, आप छोटे टारगेट जहाँ से रिजेक्शन लिया है 700 का, यहाँ यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद की बात करें तो आप आराम से नीचे भी 580 तक का वेट कर सकते हैं। वैसे मार्केट आजकल एक जोन में लाइक फंसा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ भी आया है, सेम रेंज में है। अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो फिर आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगा आप स्कैल्पिंग भी ना करें, उससे अच्छा आप इंट्राडे स्टॉक्स में प्रॉफिट कर लें। आइए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो स्टॉक हमें आज के मार्केट में दिया हुआ था, हमारा फर्स्ट पिक था एक्सिस बैंक। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक एक रेंज में ही रह गया है, ना इधर ऊपर गया ना ही नीचे आया, तो इसमें आपको एंट्री नहीं मिली थी, आपके पैसे यहाँ पर बचे होंगे। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, लेकिन जो आप कैसेल था 2631 का, आप कैसेल हिट नहीं किया है और ऊपर ही गया है नीचे, मतलब ना ही आपका टारगेट हिट किया ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट किया है। अगर आप अपना 1:1 का प्रॉफिट के थ्रू स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे होंगे तो आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, अदरवाइज आपका लॉस ही हुआ होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हमारा जो थर्ड था वो SCL टेक था, और देख सकते हैं जो हमारा बाइंग लेवल था 1115 के ऊपर एक्टिवेट किया है, जो हमारा सेकंड टारगेट था 1132 उसके ऊपर भी गया, और जो टारगेट है 1140 तक आपको दिया है। यानी अगर मैं बात करूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो इसने करीब आपको 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया होगा, तो इसमें आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। बात करें अगर टेक महिंद्रा की, जो मैंने आपको कल बताया था कि टेक महिंद्रा आप गाइड के रूप में ले सकते हैं, कि जो फर्स्ट पिक हमने लिया, अब देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, मैंने प्लान किया था पुट साइड के, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हुआ। जो हमारा टारगेट था 78 का फर्स्ट टारगेट, वो आराम से हिट हो गया। कल देखते हैं जो 4 स्टॉक्स है हमारे लिए, पहला रहेगा आपके लिए इन्फोसिस। इन्फोसिस आप बाई करेंगे 1295 के ऊपर, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1288 का, जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 1310 का, और सेकंड टारगेट 1318 का। सेलिंग साइड का सेल करेंगे 1284 के नीचे, SL रहेगा 1291 का, टारगेट आपका रहेगा 1270 का, और सेकंड टारगेट 1278 का। वही बात करें जो हमारा सेकंड पीक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बाइंग लेवल है 1385 के ऊपर आप बाई करेंगे, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1378 का, जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 1399 का। बात करें पुट साइड के लिए, जैसे ही आप सेल करेंगे 1375 के नीचे, और आपका SL रहेगा 1382 का, आपका टारगेट रहेगा 1364 का। हमारा थर्ड पीक है कल के लिए हिंडल को, हिंडल को बाई करेंगे 419 के ऊपर, आपका SL रहेगा 416 का, आपका टारगेट रहेगा 423 का। बात करें पुट साइड के लिए, जैसे ही आप मार्केट निकलता है 415 के नीचे, आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 418 का, आपका टारगेट रहेगा 410 का फर्स्ट एंड 405 का सेकंड। हमारा लास्ट पिक है कल के लिए ICICI बैंक।
ICICI बैंक आप बाई करेंगे 937 के ऊपर, आपका जो SL रहेगा वो रहेगा 933 का, आपका टारगेट रहेगा 944 का, एंड सेकंड टारगेट 950 का। वहीं बात करें पुट साइड के लिए, जैसे ही मार्केट निकलता है 932 के नीचे आप इसे सेल करेंगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 936 का, आपका टारगेट रहेगा 926 का फर्स्ट एंड 920 का सेकंड टारगेट। जो भी हम ट्रेड आज दिया था, अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कितना प्रॉफिट बुक किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू।